आप सब। और आज हम बनाने वाले हैं रिच चोको ओवन केक मिक्स, जो कि है पिल्सबरी का और ये एगलेस है। आइए इसे ओपन करते हैं। ये आपको केक का जो बिट है वो मिलेगा इसमें, इसको ओपन करके, और पूरा प्रोसेस जो है इसका आपको इस पे यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, वो करने के बाद आपको मिलते हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसमें एक डेढ़ कप के आसपास इसमें हमने वाटर ऐड किया है, और इसको फोल्ड कर लेंगे हम अच्छे से। ये वाला कप मैंने यूज किया है वाटर ऐड करने के लिए, और हाफ टी कप हमने ये वेजिटेबल ऑयल, एनी कोई भी आप कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकते हो। इसको ऐड करने के बाद इसको हम बीट कर लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो बैटर हमने कर लिया है रेडी, पैन हमने कर लिया है ग्रीस। अब हम इसको ओवन में डालेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हमने ओवन जो है प्री हीट कर लिया था, उसके बाद हम इसको उसमें रखेंगे अराउंड 30 से 35 मिनट्स के लिए। चलिए मिलते हैं आपको उसके बाद। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये यम्मी सा चॉकलेट केक बनकर रेडी है। ठंडा हो गया है, इसने साइड्स भी छोड़ दी थी देखिए, और हमने इसको चेक किया था इस तरीके से। आप नाइफ डाल के इसको चेक कर सकते हो, नाइफ क्लीन है तो मीन्स ये कुक हो चुका है, और ये ठंडा हो चुका है, और इसमें साइड्स जो है पैन की वो छोड़ दी हैं ग्रीसिंग की वजह से। तो हमने इसे प्लेट पे उल्टा करके इस तरीके से रख लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक निकल चुका है, और आप देख सकते हो बाहर से तो कोल्ड हो गया था बट अभी भी ये हॉट है। तो आप पहले पूरा इसको ठंडा कर लें, और अगर आपकी साइड्स नहीं छूटी हैं तो नाइफ से इसकी साइड्स को स्क्रेप कर दें हल्का हल्का, फिर आपका डिमोल्ड हो जाएगा। और ये सॉफ्ट सा स्पंजी सा केक रेडी है, अभी भी बहुत हॉट है, और ये बहुत ही यम्मी केक होता है। आप इसको ट्राई करें घर में अपने बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद है, मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा आपके लिए केक तो पहले आपको यम्मी लगता है? आपके साथ खा दूंगी पहले। ओके, आपको यम्मी लगता है बहुत? ओके, तो रिव्यू आपको मिल चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। बाय बाय।